ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स एमएलएज सभी पार्टियों के मैं किसी एक पार्टी का नहीं बोल सभी एमएलएज सभी काउंसलर्स सभी मेयर मंत्री सब जो जमीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मैं कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने रात रात भर 24-24 घंटे काम किया है लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स किए जाएं ऑल एफर्ट्स आर प्रूविंग लेस वो सब कम साबित हो रहे हैं कि जितने भी हम एफर्ट्स अभी करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है 153 mm बारिश हुई है 40 साल में ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूं बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी इस बार 153 mm बारिश हुई है सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जांपल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ लेकिन आधे घंटे में एक घंटे में डेढ़ घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे पानी